तो गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी। पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक अदृश्य से ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहज ही अपने पति से कहा, मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, वृंदावन चली जाओ। ज्यादा नहीं, 50-60-100 वर्ष पुरानी बात होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूं आज्ञा, मैं सदा के लिए वृंदावन ही रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिन तक उसकी आज्ञा का, बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, कहां रहोगी क्या खा? बोले वो नहीं पता, बस मुझे वृंदावन जाने दो। जब स्थिति ऐसे होने लगी, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से भी वो बुखार दूर नहीं होता था, तो पति ने यही सोचा, उसी में भलाई है कि इनको वृंदावन भेजो। और वृंदावन आई श्री राधा रमण जी की अनन्य भक्त, सदा उन्हीं के दर्शन करते, उन्हीं की लीला का अनुभव करते। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते, कभी अनुभव में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पे बैठे मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो उस अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। और राधारमण जी से कहती, आप आते ही क्यों जब आपको मिलना ही नहीं है, तो आप मुझे स्वप्न में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है, तो मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श नहीं आपको करवाना है, तो मत किया करो आप ऐसे, मैं नित्य मंदिर आऊं, आपको देखूं, चली जाऊं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना, आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो। ये गोपियों की स्थिति भागवत में यही है। नेह किम वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षम वैद्युतानला। गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं, नाथ हमको अकेले इस वन में छोड़ के आप अंतर ध्यान हो गए, अगर इसी प्रकार हमको मारना था तो कालियानाग से क्यों बचाया, इंद्र ने वर्षा की, गिरिराज पर्वत क्यों उठाया, तृणावर्त सक्टासुर इतने सारे राक्षस ब्रज में आए हमको मारने के लिए, आपने हमको उनसे क्यों बचाया जब आपको ऐसे ही मारना था हमको। तो वही बात गिरिजा देवी कहने लगी, हे राधा रमण, आपको नहीं समझ आता है लेकिन आप जब स्वप्न में आके अंतर ध्यान होते हो, मुझे छू के चले जाते हो, मुझे बार बार अनुभव, उसके बाद मेरी जो स्थिति होती मैं कैसे बताऊं, प्राण निकल जाएंगे मेरे किसी दिन, ऐसा मत करो। एक दिन महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप निरंतर करती थी। और जब वो जप करने बैठती तो कभी हाथ से माला छूट जाए, कभी उनको नींद सी आने लग जाए, कभी पीछे से नोच के भग जाए ठाकुर जी, ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहां से ये भावना आई और उन्होंने माला पुनः उठाई और महामंत्र ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी। जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, किसी ने उनको कहा नहीं, किसी ने उनको बोला भी नहीं, पर सहज ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? इस विरह वेदना को श्री जी समझ गई थी कैसे दूर करना है। बहुत ध्यान से सुनना क्या हुआ। जैसे श्री राधा 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 जपने लगी तो गिरिजा देवी एक गोस्वामी जी के यहाँ किराए पर रहती थी, नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। वो गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर, अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, अरे गिरिजा देवी गोस्वामी जी पुकार रहे हैं जल्दी चलो। वो दौड़ करके जैसे ही आई गोस्वामी जी के पास, कहो बाबा, तो गोस्वामी जी रोते रोते बोले, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, तुम श्री जी को ही पुकारोगी, मेरा नाम नहीं बोलोगी,
ये भाव सुनते ही गिरजा देवी स्तब्ध हो गई, बोले ये हुआ क्या। तब उनको याद आया, बोले मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी, इसलिए ठाकुर जी ही इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ध्या रही हो, मुझे छोड़ दोगी, अब तुम श्री जी की हो जाओगी और सदा उन्हीं की रहोगी, मेरा नाम नहीं ध्याओगी। तुरंत उन्होंने बैठ करके महामंत्र का जप किया। जैसे ही महामंत्र किया तो तब गोस्वामी जी ठीक हुए, तब उनको चाबी पता चल गई ठाकुर जी की। बोले अच्छा तो ये बात है, मतलब ठाकुर जी महामंत्र आदि ये सब ठाकुर जी के नाम है, सब अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवत कृपा तब तक होगी नहीं जब तक उनके नाम गुरु प्रणाली से नहीं लो।